बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो चीज हमने स्टडी की थी दैट वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। तो हमने देखा था कि ये होता क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशियो होती है किसी भी कंपाउंड की, और हमने इसको डिटेल में समझा था, और हमने इसका एक मेथड भी पढ़ा था कि हाउ टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसकी एक टेक्निक थी जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूले की मदद से और डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स की मदद से हमने एक पूरा प्रोसीजर किया था किसी भी एलिमेंट का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो वो था जो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक नया तरीका देखेंगे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, और उसका नाम है कंबशन एनालिसिस। अब कंबशन क्या होती है? कंबशन वो चीज होती है कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को कंबशन का प्रोसेस कहते हैं। अब ये कंबशन एनालिसिस जो है ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे। इनके अलावा अगर कोई एलिमेंट मौजूद है और हमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो फिर कंबशन एनालिसिस हम नहीं करेंगे, हम पुरानी टेक्निक अपनी इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड को हम बर्न करते हैं या उसकी कंबशन करते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो ये जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन प्रोडक्ट्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर हम अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट निकालेंगे उस कंपाउंड के अंदर। काम इसने भी पीछे वाला करना है उसी तरह। सबसे पहले स्टेप में हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में हम कहेंगे कि 100 ग्राम हमने कंसीडर कर लिए तो वो परसेंटेज ही उनकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ग्राम्स में आंसर दे देगी। उसी तरह हम थर्ड स्टेप में उन ग्राम्स से ग्राम मोल्स निकाल लेंगे, और फोर्थ स्टेप में हमने कंपेयर करके उसी तरह होल नंबर, और अगर नहीं है होल नंबर तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में उनका आंसर निकालेंगे, और फाइनली हम अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। ये सारे स्टेप हुए हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हुए हैं। यही लेक्चर बनते हैं, यही चीजें हम रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप परसेंटेज कंबशन एनालिसिस की मदद से निकाल लेंगे तो फिर वही परसेंटेज बाकी स्टेप में आगे तरफ काम कराना है। तो सिर्फ हमने ये देखना है आज इसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कंबशन एनालिसिस के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो ये तो था, सबसे पहले हम देखते हैं अभी हमने बात की प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। वो होती हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें किस किस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं। ये है जी कंबशन चेंबर, इसके अंदर हम कंबशन करेंगे। यहां से आपने फीड डाली अपनी, फीड होती है किसी भी चीज, किसी भी इंजीनियरिंग में जब हम फीड की बात करते हैं तो किसी भी इक्विपमेंट को जब हम कोई भी चीज एंटर करते हैं तो वो उसकी फीड होती है। फीड क्या है? हमारा सैंपल है, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने एनालिसिस करना है। उसको आपने जलाया, प्रोडक्ट्स निकलेंगे। प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आगे हमने एक नया चैम्बर लगाना है जो कि क्या कहलाता है, H2O एब्जॉर्बर। अब हम इस चैम्बर के अंदर ऐसा कंपाउंड डालेंगे
जो कि क्या करेगा, वाटर आने वाला जो प्रोडक्ट में वाटर आ रहा है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो है जी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हमने इस H2 एब्जॉर्बर के अंदर रखी होगी, वेट सैंपल होगा ये आप याद रखें, इसका हमने पहले से वेट किया होगा। ये वेट सैंपल जो है MgCl4 का H2 एब्जॉर्बर के अंदर हम रखेंगे, यहां से जो H2 आ रहा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो यहां से चीज निकलेगी उसके अंदर सिर्फ CO2 होगी, यहां पे क्या दो चीजें आ रही थी H2O और CO2। ये H2O जब H2O एब्जॉर्बर में से गुजरेगा तो वाटर जो है ये MgCl4 होल ट्वाइस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह आगे पास आउट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे एक नया चैम्बर लगाएंगे जो कि CO2 एब्जॉर्बर होगा। यहाँ पे हम कोई ऐसा केमिकल डालेंगे जो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो हम कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मली वो 50% KVH सॉल्यूशन होता है। 50% सॉल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बेसिक मतलब नॉलेज आपको होगा, 50% का मतलब है कि उसके अंदर KVH की क्वांटिटी जो है सॉल्यूशन में वो 50% है। ये जो 50% KVH है इसका भी उसी तरह वेट सैंपल, उसको पहले से हम वेट कर लेंगे, उसका कितना मास है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, आगे हमारे पास कुछ नहीं जाएगा। और अगर कोई प्रोडक्ट है भी है तो वो इसमें से पास आउट हो जाएगी, जो हमारी प्राइम प्रोडक्ट थी CO2 और H2O वो हमने एब्जॉर्ब करवा दी है, यहाँ पे H2O और यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब हो गई। तो ये कंबशन एनालिसिस था। इसके बाद इसको हम दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सैंपल आपने डाला, ऑक्सीजन यहाँ पे एयर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें पता है कि आग जलाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, फायर के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सबको पता ही होगा, तीन चीजें होनी बहुत लाजमी है आग लगाने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए। नंबर 1 इज फ्यूल, इसको आपने जलाना है, जो भी चीज आप जला रहे हैं वहां पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। दूसरी चीज होती है एयर, सही, एयर की मौजूदगी में हमारे पास आग नहीं लगती। आप एक मोमबत्ती लें, इफ यू हैव अ कैंडल, जल रही है ठीक है, आप इसके ऊपर क्या करें एक ग्लास उल्टा रख दें तो ये कुछ सेकंड में बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद एयर है वो थोड़ी देर ये यूज कर लेती है, जैसे ही ये अंदर की मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ले तो बाहर से फर्दर ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं हो रही तो ये जलना बंद हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। दूसरी चीज बात होगी एयर की, अब एयर कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास मौजूद है फ्यूल और आपने उसको जब भी आग नहीं लगाई तो एयर जो है उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकेगी। थर्ड जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमें इग्निशन चाहिए होती है, जिसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, इग्निशन, या हम जिसको कहते हैं शोला। हमें उसको जलाने के लिए एक दफा आग लगानी पड़ेगी। आप एक पेट्रोल का टैंक ला के अपने कमरे में या किसी भी जगह पे उसको खोल दें तो पेट्रोल क्या है, फ्यूल है, एयर क्या है, मौजूद है वहां पे, लेकिन इग्निशन जब तक नहीं है ये आग नहीं लगेगी। तो ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इस तस्वीर में जो वो O2 यहाँ पे मेंशन कर रहा है ये एयर है, बेसिकली O2 आपने दी, सैंपल आपका अंदर पड़ा हुआ था, ये फर्नेस है, फर्नेस का मतलब यहाँ पे ये चीज जलेगी, कम्बस्ट होगी। सैंपल के पास एयर की मौजूदगी में आप आग लगाएंगे। अब देखो सैंपल क्या है, फ्यूल, एयर जो थी दूसरी चीज रिक्वायर्ड थी वो आपने यहाँ से दी है, और फर्नेस में क्या होगा, इग्निशन होगी, शोला लगने लगा, इसको आग लगेगी। जब ये जलेगा तो दो चीजें निकलेंगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले फेज में हम वाटर को एब्जॉर्ब करवाएंगे, मैग्नीशियम परक्लोरेट हमने इसके अंदर डाल दिया है, MgCl4 होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जो चीज
वाटर एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करती हुई आगे इस चैम्बर में आएगी। ये एब्जॉर्बेशन ऑफ CO2 का चैम्बर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब होगी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी आप बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बुक में 50% KOH सोल्यूशन दिया हुआ है तो आप उसको ही ध्यान में रखें, लेकिन कोई भी अल्कली हो सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बाहर चली जाएगी यहाँ से। तो अब ये चीजें हमने कंबशन एनालिसिस हमने कर लिया, अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। ये हम इसमें से चीजें अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, परसेंटेज की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने बात की थी कि इसका सैंपल जो है वो वेट है और इसका सैंपल भी वेट है। ये वेट पहले से हमने क्यों वेट करके रखा हुआ, ताकि हम इसके अंदर एब्जॉर्ब होने वाले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कैलकुलेट कर सके। वो कैसे करेंगे, डिफरेंस मेथड से, सिंपल सी बात है। आप सपोज करें जी वेट ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट, आपने जो इनिशियल वेट था मतलब कंबशन एनालिसिस से पहले, वो सपोज कर लें जी वो 20 ग्राम्स था, राइट। तो इसका जो वेट आप करेंगे फाइनल मतलब कंबशन एनालिसिस करने के बाद, तो वो सपोज कर लें अब हो गया हुआ है 24 ग्राम। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, अब देखें ये 20 ग्राम था, ये 25 ग्राम है, 24 ग्राम हो गया है, इसने एब्जॉर्ब क्या किया है वाटर, तो वाटर कितना आएगा कि अगर मैं फाइनल वेट में से इनिशियल वेट को माइनस कर दूं, राइट। तो 24 में से जब 20 ग्राम निकाल देंगे तो पीछे 4 ग्राम क्या था इसके अंदर, पानी था, पहले ये 20 था, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद 24 हो गया, तो 4 ग्राम इसके अंदर वाटर था। सिमिलरली हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने KOH या NaOH के साथ जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह उसका फाइनल मास जो पहले हमने जो कंबशन एनालिसिस के बाद हमें मिला, और इनिशियल मास जो हमने प्री वेट का मतलब पहले से वेट उसका कैलकुलेट करके हमने डाला था, उसका जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास CO2 की ग्राम्स आ जाएंगे, ग्राम्स में आंसर आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिसॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और हाइड्रोजन जो है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई। ये तो हमारे पास आ गया कंपाउंड के वाटर जो है वो 4 ग्राम है, हमें तो वाटर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि हाइड्रोजन कितनी है। एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी एच और ओ है, हमें तो इन तीन की परसेंटेजेस चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हमें वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेजेस तो नहीं चाहिए। हमारे पास जो फिलहाल डाटा मौजूद है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब हम एक फॉर्मूले की मदद से ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करके हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस निकालेंगे। बस ये इसमें डिफरेंस है पिछले वाले मेथड से, इसमें एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये तरीका है जो हम अभी देख रहे हैं। अब आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि कार्बन कितनी है। हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का है, जब वाटर के हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे तो वाटर का डाटा इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सपोज कर लें 10 ग्राम, जो आपने दोनों का डिफरेंस लिया उस अल्कली का और सारे तरीके से आपके पास जो आया आंसर वो 10 ग्राम था। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपके पास आया है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने बात की थी कि सबसे पहले कंबशन करने से पहले भी हम जो अपना सैंपल डालते हैं उसका वेट करते हैं, वेट सैंपल होता है वो, उसका जो मास होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है जो शुरू में हमने डाला, मास ऑफ CO2 जो एब्जॉर्ब होने के बाद हमने डिफरेंस लिया और निकला वो ये है, मल्टीप्लाई बाय 12 इज द मास ऑफ कार्बन एंड 44 इज द मास ऑफ CO2। अगर आप देखें तो CO2 का मास कितना होता है, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, दो ऑक्सीजन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं 12 + 32 तो दिस कम्स आउट टू बी 44। तो ये 44 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है और 12 कार्बन का मास है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमें दे देगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कितनी, राइट। अब सपोज करें जी हमने 10 ग्राम, ये हमारा 10 ग्राम था मास
इसका, और हमने जो सपोज कर लेते हैं जो रेड सैंपल हमने लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरू में डालते वक्त, सपोज कर लेते हैं वो 50 ग्राम था, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम चीजों को डालेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो कार्बन की परसेंटेज होगी। इसी तरह अब हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह मास ऑफ, अब हाइड्रोजन किस कंपाउंड में मौजूद है, कार्बन सीओ टू में थी तो हाइड्रोजन वाटर में मौजूद है, तो मास ऑफ वाटर जो कि हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब करवा के निकाला हुआ, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी तरह जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है एच टू की शक्ल में, इसका मास होता है 2, और ऑर्गेनिक और यहाँ पे हमने देखें कार्बन डाइऑक्साइड का डाला था, यहाँ पे हम वाटर का डालेंगे, वाटर का होता है 18। कैसे 18 होता है, हाइड्रोजन 1, दो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास सेम फॉर्मूला है, बस हाइड्रोजन के लिए हमने हाइड्रोजन के कंपाउंड इस्तेमाल किए हैं, हाइड्रोजन था तो वाटर, उसका मास भी उसी तरह हमने इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूले के तहत हमारे पास जो चीज अब आ गई है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ गए हैं। मैं इनको सपोज कर रहा हूँ वैल्यूज को, कि सपोज कर लेते हैं जी कि ये जो हमारे पास चीज आई है ये 35% आ गई है कार्बन, और ये जो चीज आई है ये 20% आ गई। अब हमने शुरू में बात की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं, CH और O, इनके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों चीजें मिलके 100% बना रही हैं। अब 100% में से आप अगर कार्बन और हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इस तरीके से निकालते हैं, टोटल 100% था, 100% ये किसके बराबर है, वो बराबर है जी परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये वैल्यू इजीली निकल आएगी इस इक्वेशन से। 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, हमने सपोज की हुई है 35 है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 20 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज ऑक्सीजन उधर ही रहेगी, 100 माइनस 35 माइनस 20 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ओ, तो परसेंटेज ऑफ ओ यहां से कितनी निकलेगी, 100 माइनस ये एड अप हो जाएंगे 35 और 20 हो जाएंगे 55, और हमारे पास परसेंटेज ऑक्सीजन आ जाएगी 45%। तो इस तरीके से अब देखो आपके पास तीनों यूनिट में परसेंटेजेस आ गई हैं, इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कंबशन एनालिसिस में। जब ये तीनों आ जाएं, अब अगला काम सारे का सारा वही है कि हम कहेंगे जी कि हमारे पास, हमने सपोज कर रहे हैं कि हमने 100 ग्राम सैंपल लिया था, तो उसी तरीके से कार्बन के कितने ग्राम होंगे उसके अंदर, 35 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में 100% में 35% था, तो 100 ग्राम में 35 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन 20 ग्राम और ऑक्सीजन हमने निकाल ली वो 45 ग्राम, तो ये हमारे पास ग्राम में आंसर आ गया। इनको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम मोल्स के अंदर, ग्राम मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते थे कि मास को हम देते थे और डिवाइड कर देते थे उसके एटॉमिक मास से 12 से, तो इसका आंसर आ जाएगा उसके ग्राम मोल्स होंगे। इसी तरह 20 है तो हाइड्रोजन के उससे उस डिवाइड करेंगे मास ऑफ उस एटॉमिक मास से, सही है, तो उसका आंसर आ जाएगा, और उसी तरह हम इसको डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के लिए उसके मास से, तो उसके हमारे पास ग्राम मोल्स आ जाएंगे। इनको उसी तरह हम कंपेयर कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। हम अपनी बुक की ही एग्जांपल पढ़ते हैं, ये सारा प्रोसीजर पुराना है जो हम पिछले पार्ट वन में करके आए थे एम्पिरिकल फॉर्मूले के, ये काम सारा का सारा वही है। असल जो इम्पोर्टेंट चीज थी कमर्शियल एनालिसिस में वो ये थी कि हमने परसेंटेजेस कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने ये सारा तरीका देखा कि किस तरीके से हम उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, ये सारी स्टोरी।
और उसके बाद हमने उस फॉर्मूले को याद रखना है कि H2O की जो अमाउंट आई है उससे हमने हाइड्रोजन कैसे निकालनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू आई है उससे हमने कार्बन की अमाउंट कैसे निकालनी है। जब ये दोनों चीजें निकल आएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले की मदद से हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मैसेज को यूज करते हुए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालेंगे। इन परसेंटेजेस को फिर हम दोनों को ऐड करके जब 100 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की निकलेगी और फिर अगला सारे स्टेप वही है कि उनको ग्राम्स में और ग्राम्स के बाद हम उनको जो है ग्राम मोल्स में और ग्राम मोल्स के बाद उनकी रेशियो कंपेयर करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये था दूसरा तरीका कंबशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या करें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करें। अब हम एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है, आपकी बुक की एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। आपको जो डाटा गिवन है वो है जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.5439, मास ऑफ CO2 जो आपने कंबशन एनालिसिस करने के बाद और दोनों का डिफरेंस लेने के बाद निकाली वो कितनी आई 1.039 ग्राम्स और मास ऑफ वाटर दैट इज 0.6369 ग्राम। ये डाटा आपको गिवन है और वो आपसे मांग क्या रहा है, वो कह रहा है जी कि मुझे ये तो था आपका डाटा जो आपको सवाल में गिवन है, रिक्वायर्ड आपसे क्या है कि आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताएं। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है, अब हमने उनको बस इंप्लीमेंट करना है। हमारे पास ग्राम में आंसर्स मौजूद हैं, हमने इनको इस्तेमाल करते हुए अपने रिजल्ट की तरफ जाना है। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेजेस, परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी ऊपर, आप देख सकते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है 1.039 जो कि हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि कार्बन का मास है और 44 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास है मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करें तो वो आएगा 52.1% परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसी तरह, हाइड्रोजन का जो सा है यहाँ पे हम मास पुट करेंगे वाटर का दैट इज 0.6369 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 जो कि हाइड्रोजन का मास है और वाटर का 18 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आंसर आ जाएगा 13.11। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि हम 100 में से इन दोनों को माइनस करते हैं 52.1 प्लस 13.11 इन दोनों को जब हम जमा करके 100 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 34.77%। ये हमारे पास तीनों की परसेंटेजेस आ गई, ठीक है। इसी परसेंटेज को अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो 100 ग्राम था, तो इसके अंदर कार्बन के कितने ग्राम होंगे, उसी तरह 52.1 ग्राम्स, हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स होंगे 13.11 ग्राम्स और ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होंगे 34.77 ग्राम्स। अब उसी तरह अगले स्टेप में हमने ग्राम मोल्स फाइंड करने, वो कैसे करते थे, कार्बन के कैसे होंगे उसके मास को हम डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से 12 से, ये आ जाएगा जी 4.34। हाइड्रोजन के कैसे फाइंड करेंगे, उसके ग्राम्स को हम डिवाइड कर देंगे उसके मास से तो ये आ जाएगा 12.13। और ऑक्सीजन के हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह उसके मास को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से जो कि 16 होता है तो ये आ जाएगा 2.17। ये हमारे पास ग्राम्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कंपेयर करना है, कंपैरिजन कार्बन हाइड्रोजन
ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स हैं जी 4.34, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 12.13 और इसके मोल्स हैं 2.17। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, सबसे छोटे से सारों को डिवाइड कर देते थे ताकि हमारे पास एक लीस्ट नंबर में रेशियो आ जाए। वही काम हम यहाँ पे करते हैं, 4.34 सबसे छोटा इनमें से कौन है, 2.17, तो सबको 2.17 से डिवाइड करते हैं। अब हम आंसर देखते हैं, ये 1 आ जाएगा, कट जाएगा, ये जो है इट कम्स आउट टू बी 2 और ये आता है 6। अब हमें यहां से पता लग गया कि कार्बन इसके अंदर 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 होगी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H6O। तो जो सब भी कंपाउंड की हमने उसने डिटेल दी भी थी उस कंबशन एनालिसिस के सारी चीजों को यूज करते हुए हम आंसर तक पहुंच गए हैं, जो कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H6O। सारे स्टेप पुराने हैं, सिर्फ इसमें एक नया फॉर्मूला आया था कि जो ग्राम्स हमें दिए हुए थे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, उनको हमने कंबशन एनालिसिस वाले फॉर्मूले से उनकी परसेंटेजेस निकाली और फिर अगले सारा काम वही किया। परसेंटेज के बाद 100 ग्राम सैंपल लेके उनके ग्राम में लिख लिया, उनको ग्राम को एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करके हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स को आपस में कंपेयर किया, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दिया और हमने देखा कि हमारे पास होल नंबर रेशियो आ गई। हाँ, अगर ये होल नंबर रेशियो ना होती, कोई आंसर डेसिमल्स में होता, तो फिर हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते कि वो होल नंबर में आ जाता जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन हमारा आंसर इसमें होल नंबर ही आ गया है 2, 6 और 1, जब हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ये हमारा आंसर है। तो ये दूसरा तरीका था कंबशन एनालिसिस के थ्रू जिसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, और ये सिर्फ उसी कंपाउंड के लिए फिजिबल है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे। तो ये एग्जाम्पल थी और ये सारी डिटेल थी कंबशन एनालिसिस की।